आपने हर जागरण में और ज्यादातर जागरण में गाने वालों से आपने ये चार लाइन जरूर सुनी होंगी, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बात तो भगवान से भी टाली। जरूरत पड़ने पर दो चार घरों के बर्तन तक साफ करके दो चार बच्चों को पाल लेती है एक माँ, मगर न जाने क्यों उन्हीं दो चार बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली। ये कलयुग का कड़वा सच है। बहुत से भरे पूरे परिवार मैंने देखे, माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं कि बड़े भैया आपको 6 महीने मम्मी रखनी है, मैं 6 महीने पापा को रखूंगा। माँ बाप का भी बंटवारा हो जाता है बहुत भरे पूरे परिवारों में भी। एक भजन गा रहा हूं, अब ना ताली बजाने की जरूरत है ना बात करने की, केवल भजन को सुने और जब भजन आपको अच्छा लगे तो भजन के अंत में केवल आशीर्वाद दें तालियों से। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए दरबारी और जितने मानवाब कुर्सियों पर बैठे आप भी ध्यान दें इस भजन की तरफ, क्योंकि कहते हैं जब तक सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आया तो आपका यहां आना और नींद गवाना सब बेकार है। कहते हैं कि यूं ही हर कोई हर किसी पर सैदा नहीं होता, यानी कुर्बान नहीं होता। यूं ही हर कोई हर किसी पर सैदा नहीं होता, एक लाल रंग है जो कभी लहू से अलैदा नहीं होता। अगर डर जाती ये माँ हमें जन्म देते वक्त, मयूर भैया, अगर डर जाती माँ हमें जन्म देते वक्त तो मेरी तुम्हारी तो औकात क्या है। इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं होता। बात अगर अच्छी लगा करे तो ताली जरूर होनी चाहिए, जिससे मुझे मालूम होती रहे मेरी बात समझ में आ रही है। कह दो सच्चे दरबार की जय। खुशियों के गीत गाए बोली सच्चे दरबार की डब्बू भैया गुरु। खुशियों के गीत गाए कुछ करके हम दिखाए, जीजा जी खुशियों के गीत गाए कुछ करके हम दिखाए। और मयूर भैया जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआएं, जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआएं। खुशियों के गीत गाएं कुछ करके हम दिखाएं, जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआएं, जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआएं। सबसे पहली बात मां, और मां क्या चीज होती है सुनिए। हंसती है देख तुझको, बिल्कुल धीमे 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 हंसती है देख तुझको जब गर्भ में तू आए, मां मौत से भी लड़के जीवन तुझे दिलाए, मां मौत
जब संतान गर्भ में होती है माँ मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराती है, लेकिन जिस वक्त वो माँ बनती है तो मौत से भी लड़ जाती है। बहुत सी ऐसी माएं भी होती हैं जो संतान को तो जन्म दे देती हैं लेकिन वो साथ छोड़ करके चली जाती है। अगर आप सभी ने अपनी अपनी माँ को देखा है तो आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। बहुत से ऐसे नालायक बेटे होते हैं मयूर भैया, इतना करने के बावजूद माँ से एक मिनट में कह देते हैं तुमने क्या किया है मेरे साथ, अरे 9 महीने गर्भ में रखा है, 9 साल का किराया ले लो। और जो ऐसी बात करते हैं, दो बात कह रहा हूं अगर अच्छी लग जाए तो, सभी माताओं का बहनों का तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा, सभी भाइयों का। बड़ा खुदगर्ज होता है गुब्बारा जो चंद सांसों से फूल जाता है, बड़ा खुदगर्ज होता है गुब्बारा जो चंद सांसों से फूल जाता है। अरे 4 पैसे क्या कमा लिए किसी बेटे ने, वो अपनी औकात भूल जाता है। छुपकर तनहाई में रोने की जरूरत क्या है, छुपकर तनहाई में रोने की जरूरत क्या है। आज मालूम हुआ कि मोहब्बत क्या है, वो बेटा ही कहने के लायक नहीं है मयूर भैया, वो बेटा ही कहने के लायक नहीं है जिसने अपनी मां से कह दिया बोल तेरे दूध की कीमत क्या है, बोल तेरे दूध। केवल एक बात कह देना इस मां से, गुजरे सुबह तो शाम लिख देना, गुजरे सुबह तो शाम लिख देना, मां के चरणों में मेरा पावन धाम लिख देना, चिता पर चैन की नींद तो मिलती है दुनिया वालों, चिता पर चैन की नींद तो मिलती है दुनिया वालों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे मेरी मां का नाम लिख देना, मेरी मां का नाम लिख देना, मेरी मां का नाम। एक बार कहो मां, मम्मी से कहो, क्या क्या कहोगे, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी माँ, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। ये आपका प्यार है मां की प्रति, और इस मां का भी प्यार है आपके प्रति। इस दुनिया के आगे, इस मतलब की दुनिया के आगे हमें कभी ना रोना चाहिए, क्योंकि सामने तो कहेंगे लेकिन उसके बाद हंसी उड़ाएंगे। इस मतलब की दुनिया के आगे हमें कभी ना रोना चाहिए। और मयूर भैया, जहां कद्र हो आपके आंखों के आंसुओं की, जहां कद्र हो आपकी आंखों के आंसुओं की, वहां तो दिल खोल के रोना चाहिए, वहां तो दिल खोल के रोना चाहिए। हंसती है देख तुझको जब गर्भ में तू आए, मां मौत से भी लड़के जीवन तुझे दिलाए, मां मौत से भी लड़के जीवन तुझे दिलाए। और ये खुश कितनी सी बात में हो जाती है, बेटे का फर्ज क्या है, बेटे का फर्ज क्या है, हम ये ही जान जाए जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआए, जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआए, जीवन में है जरूरी माँ बाप।
और देखिए एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं और बहुत अच्छी, बेटों को सबसे ज्यादा प्यार होता है मम्मी से। बेटे को प्यार होता है मम्मी से और बेटियों को, लेकिन छोटी छोटी बातों में। रूबी दीदी अगर कोई ठोकर लग जाए तो मुंह से निकलेगी, अरे भैया मर गए, अरे मम्मी। अगर रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने से ट्रक आ जाए, मयूर भैया, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मुंह से एक ही बात निकलेगी, हाय बाप रे। सही बात है, सुनिए। कहते हैं माँ देवी होती है, और हकीकत में माँ देवी होती है, इस माँ से भी बड़ी है ये माँ, क्योंकि इसके पैरों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग में निवास करती है देवी, और ये माँ भी निवास करती है उसी स्वर्ग में। और वो स्वर्ग कहाँ है? हमारी जन्म देने वाली माँ के पैरों के नीचे। अब ये ना सोचें कि मम्मी की सेवा करते रहो स्वर्ग मिल जाएगा, उसका दरवाजा बाप होता है। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप के पैरों से खुलता है। सुनिए, मम्मी अगर है देवी, मम्मी अगर है देवी तो देवता है पापा। और माँ भगवती संग संग कटे जवानी, संग संग माँ बाप की संग संग कटे जवानी, संग संग कटे बुढ़ापा, संग संग गुनीजन मुझे बताए, जीवन में है जरूरी माँ बाप की दुआए। उन माँ बापों के लिए ये दो लाइन लिखी है गुरुदेव ने, जो बेटे और बेटियों में फर्क समझते हैं। मयूर भैया, बेटा हो या हो बेटी, बेटा हो या हो बेटी, सबका समान दर्जा, बेटा और बेटी पे माँ के दूध का है कर्जा। जंदर गुरु चरण की, जंदर गुरु चरण की लिखता है दास्ताएं, जीवन में है जरूरी